तो गाइज ये पूरा भूल भुलैया के अंदर से रास्ता आता है। ओहो हो, काफी डरावना सा लग रहा है गाइज। एकदम शांति, सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल SR व्यूज। तो गाइज कैसे आप सब हो? आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक बार लखनऊ सिटी का ब्लॉग, जो कि इससे पहले भी एक साल पहले मैं आया था। तो लखनऊ में जो भी टूरिस्ट प्लेस है वो सब मैंने आप लोगों को एक्सप्लोर कराया था वीडियो के थ्रू। तो आइए आज भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ लखनऊ सिटी। अभी फ़िलहाल हम लोग खड़े हैं लखनऊ के क्लॉक टावर पे, जैसा कि आप लोग देख सकते हो सामने है छोटा इमामबाड़ा, गेट दिखाई दे रहा होगा सामने, और उसकी दूसरी साइड पे हम लोग देखेंगे तो इधर है सामने रूमी गेट। तो पहले हम लोग चलते हैं क्लॉक टावर पे, उसके बाद चलेंगे बड़ा इमामबाड़ा। तो चलिए पहले हम लोग क्लॉक टावर को एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को दूसरी जगह पे। तो गाइस अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, मतलब हल्की सी दोपहर भी हो चुकी है वैसे देखा जाए तो। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पूरा, जो कि ये है क्लॉक टावर। और यहीं पे अजय देवगन की मूवी जो थी रेड मूवी, वो यहीं पे शूट किया गया आगे। बाकी ये प्लेग्राउंड है। जब मैं लास्ट टाइम लखनऊ आया था तकरीबन 1-1.5 साल पहले, तो हम लोग ने बड़ा इमामबाड़ा एक्सप्लोर किया था और वहीं से फिर सीधा रिटर्न निकल गए थे। क्लॉक टावर को सिर्फ बड़ा इमामबाड़ा, मतलब बड़ा इमामबाड़ा से ही हमने देखा था। तो इस बार फाइनली दोबारा लखनऊ आने का मौका मिला और आप लोग देख सकते हो क्लॉक टावर के बिल्कुल करीब। तो ये है क्लॉक टावर और उसके जस्ट सामने आइए चलते हम लोग नीचे। और यहीं पे शूटिंग हुई थी अजय देवगन की रेड मूवी की, अजय देवगन और उसमें एक्ट्रेस थी इलियाना डिक्रस। और यहाँ पे भी अभी देख सकते हो आप लोग फोटो शूट चालू सबका, एक इधर और ये साइड। तो इस बार हम लोग पूरी फैमिली के साथ आए, जैसा कि आप लोग देख सकते हो सारी टोटल अपनी फैमिली, टोटल तकरीबन हम लोग 20 लोग आए, 19-20 लोग। तो इस जगह को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम लोग चलते हैं छोटा इमामबाड़ा की तरफ, जो कि सामने आप लोग गेट देख सकते हो। चलते हैं धीरे धीरे आगे और फिर मैं वहाँ से व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को। गाइज अभी विंटर का सीज़न चल रहा है, तो छोटा इमामबाड़ा की गेट के तरफ आप लोग देख सकते हो यहाँ पे स्वेटर बिक रहे हैं। फाइनली छोटा इमामबाड़ा के गेट के अंदर एंट्री ली हमने और ये है लखनऊ का छोटा इमामबाड़ा, जो कि बड़ा इमामबाड़ा के बिल्कुल करीब में है।
गाइज ये है एंट्री बड़ा छोटा इमाम बाड़ा की। चलते हैं अंदर और अंदर से दिखाता हूँ मैं आप लोगों को छोटा इमाम बाड़ा कैसा दिखता है। फाइनली ये है छोटा इमाम बाड़ा। गाइज लास्ट टाइम जब आया था तो सिर्फ बड़ा इमाम बाड़ा ही गया था, बट इस बार फाइनली छोटा इमाम बाड़ा आने का मौका मिला। और अभी सुबह का वक्त है इसलिए काफी शांति है। तो गाइज ये है मेरे दोनों मामू जिनकी अभी अभी नई शादी हुई है, जिनकी शादी के लिए हम लोग गुजरात से यूपी आए थे। 1850 रुपए। तो ये शादी के बहाने फिर सारा फैमिली इकट्ठा था, सोचा कि लखनऊ घूम लेंगे, तो बस वही बहाने आज घूमने का मौका मिला है। तो गाइज ये है अपने छोटे मामू, सबसे छोटे, जो कि शादी के बाद लखनऊ घूमने का प्लान इन्हीं का था, इन्हीं के बदौलत हम लोग आज लखनऊ आ पाए। तो चलते हम लोग अंदर। गाइस काफी शांति है और ये एंट्री गेट जहां से अभी हम लोग आए। गाइस अंदर काफी शांति है और काफी अच्छा लग रहा है। चलते अभी गेट के अंदर और अंदर देखते क्या है। गाइस फाइनली अंदर एक्सप्लोर करके हम लोग आ चुके हैं। अंदर वीडियो अलाउड नहीं था इसलिए वीडियो नहीं शूट कर पाया, तो यहाँ पे अब हमारा टूर खत्म होता है। अब चलते हैं हम लोग बड़ा इमाम बाड़ा की तरफ और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को वहाँ का व्यू। तो ये है शाही हम्माम। ओहो, काफी डरावना सा लग रहा है गाइस, एकदम शांति। एकदम राजा महाराजा के ज़माने में आ चुके ऐसा लग रहा है। और ये शायद नहाने के लिए बना था, लग तो वैसा ही रहा है। इधर ऊपर भी देख लेते हैं। यस चलते हैं बाहर की तरफ और निकलते हैं बड़ा इमाम बाड़ा की तरफ। तो गाइज ये है रूमी गेट जो कि अभी रिपेयरिंग का काम चालू है। पिछली बार जब आया था तब ये खुला था बट इस टाइम पे बंद है। चलते हैं आगे की तरफ और लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को बड़ा इमाम बाड़ा के अंदर। तो ये है एंट्री गेट बड़ा इमाम बाड़ा की जो कि जो सामने दिखाई दे रहा है आप लोगों को। और ये साइड ये है रूमी गेट जिसका भी रिपेयरिंग का काम चल रहा है।
फाइनली आ चुके हैं बड़ा इमामबाड़ा के अंदर। तो एक गेट से एंट्री लिया, अब ये दूसरा गेट जहाँ पे टिकट कटेगा। तो चलते हैं टिकट लेते हैं, उसके बाद अंदर चलते हैं। गाइज ये कलर किया गया हुआ है, लास्ट टाइम जब आया था तो कलर नहीं था, बट अभी फाइनली पूरा पूरा का पूरा कलर कर दिया गया है। फाइनली इमामबाड़ा के अंदर, और ये है आसिफी मस्जिद। और यहाँ पे गाइस ये जो ऊपर दिख रहा है ये है भूल भुलैया, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को दिखाया था। तो अभी थोड़ी देर बाद हम लोग ऊपर भी चलेंगे। तो गाइस ये है बड़ा हुआ इमामबाड़ा के अंदर का व्यू। तो लास्ट टाइम भी मैंने ये सब आप लोगों को दिखा दिया था। आज टोटल एक डेढ़ साल के बाद फिर से। तो गाइस ये पूरा भूल भुलैया के अंदर से रास्ता आता है। तो ये हमारे मामों का लड़का कूद रहा है अकेले अकेले। इधर आओ। चलिए गाइस अब यहाँ से एग्जिट लेते हैं और चलते हैं बाहर। That's all guys, यहीं पे हमारा छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा और लखनऊ के क्लॉक टावर का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।